नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपने पोते से गरीब हैं। जी हां, तकरीबन ढाई साल के नारा देवांश 11 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जबकि उनके दादा चंद्रबाबू के पास कुल प्रॉपर्टी 2.53 करोड़ रुपए की है। नायडू परिवार की ओर से पेश किए गए ब्यौरे में यह जानकारी सामने आई है। नायडू और उनके परिवार ने लगातार 7वीं बार अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा सार्वजनिक किया है, जिसके अनुसार सीएम चंद्रबाबू नायडू पर कुल 5.64 करोड़ की देनदारी है, जबकि उनकी संपत्ति 2.53 करोड़ रुपए की है। नायडू के बेटे नारा लोकेश ने अपने परिवार की प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हुए कहा कि सीएम चंद्रबाबू ने बैंक ऑफ बड़ौदा से हाउसिंग लोन ले रखा है। वहीं उनके सेविंग अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं। सीएम नायडू पर 1.52 लाख की एम्बेसडर कार और 7.75 लाख कीमत का हैदराबाद में घर है, जबकि पोते देवांश पर कैश के अलावा हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में 9.5 करोड़ की कीमत वाला घर है। वहीं 25.41 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ सीएम की पत्नी भुवनेश्वरी नायडू परिवार में सबसे अमीर हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और टीडीपी के महासचिव लोकेश ने बताया कि नायडू परिवार का हेरिटेज फूड्स का कारोबार है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी मां ही हैं। वहीं नारा लोकेश ने खुद के पास 15.21 करोड़ की संपत्ति बताई। इसके अलावा नारा लोकेश की पत्नी और सीएम की बहू नारा ब्राह्मणी के पास कुल 15.01 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वे हेरिटेज फूड्स की डायरेक्टर हैं। लोकेश ने दावा किया कि देश में उनका ही परिवार ऐसा है जो प्रॉपर्टी का नियमित रूप से ब्यौरा पेश करता है। उन्होंने विपक्षी दलों को भी अपनी संपत्ति की घोषणा करने की चुनौती दी है। सीएम के बेटे ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को भी साबित नहीं किया। लोकेश ने विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी से पूछा कि उन्होंने कभी अपनी संपत्ति क्यों नहीं घोषित की।